प्रधानमंत्री आवश्यक कहते नजर आ रहे हैं कि हम वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती कर रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहा है कि थोड़ी सी साक्षरता की उनमें कमी है। माननीय मंत्री से मैं जाके उनसे मिला और मिलने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि भाई ये सब जो चीजें हैं वो सब फ्लो फ्लो में हो गया है और जल्दी से हो गया है। दोस्तों स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले गर्दनीबाग में हो रहे धरने के दौरान सरकार के सामने वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा एक मांग पत्र भी सौंपा गया जिसकी चर्चा करते हुए जय सिंह राठौर ने कहा कि सात निश्चय पार्ट वन के मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नली योजना वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में वार्ड के रेवन एवं प्रबंधक के खाते में संचालित कर कराया गया था। राज्य के 15वीं वित्त आयोग की राशि में वार्ड सदस्य के उस अधिकार को वंचित कर दिया गया। और भी बहुत सारी जानकारी जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में बने रहेगा। अगर आप बिहार से हैं और वार्ड सदस्य मुख्य हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास कुछ आर्टिकल आया जिसमें जानकारी बहुत बारीकी से दिया है। देख सकते हैं आज के पटना गर्दनीबाग में वार्ड सदस्य महासंघ के सदस्य ने एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया। यह धरना वार्ड सदस्य के अधिकार के कटौती एवं वित्तीय अधिकार समाप्त किए जाने को लेकर किया गया है। इस धरने में वार्ड सदस्य के अधिकार में कटौती के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया है। इस मौके पर वार्ड सदस्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्य के अधिकारों में हो रही कटौती से दुर्भाग्यपूर्ण हो इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना ही कम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी लेकिन आज उनके नाम पर इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दल उनकी कल्पना देने की लगी है। ठीक है प्राण, यानी कि इसमें बताया गया कि इस मौके पर वार्ड सदस्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्य के अधिकार में हो रही कटौती के दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। आप सभी को पता ही होगी ये सारी बात। देख सकते उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने देश में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी लेकिन आज उनके नाम पर इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दल उनकी कल्पना के ही तिलांजलि देने में लगी है। देख सकते हैं इसमें बताया गया और भी जानकारी देख सकते और भी बहुत सारी जानकारी दिया गया। देख सकते गर्दनीबाग में हो रहे धरने के दौरान सरकार के सामने वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा एक मांग पत्र भी सौंपा गया है जिसकी चर्चा करते हुए जय सिंह राठौर ने कहा कि सात निश्चय पार्ट वन के मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की गली नली जल योजना वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में संचालित कराया गया था। राज्य के 15वें वित्त आयोग की राशि में वार्ड सदस्य के उस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ठीक है, पर यानी इसमें जानकारी दिया गया है नल जल योजना के मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नल योजना वार्ड सदस्य अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में संचालित कर कराया गया था लेकिन राज्य के 15वें वित्त आयोग की राशि में वार्ड सदस्य को उस अधिकार से वंचित भी कर दिया गया है। और भी जानकारी दिया देश तो वार्ड सदस्य की जानकारी दिया गया देश तो वार्ड सदस्य खाते से ही 15वीं वित्त यानी पश्चिम वित्त राज्य वित्त की राशि में कार्य के साथ निश्चय अंतर्गत ही कराए जाते हैं। नल जल योजना का अनुरक्षक वार्ड सदस्य ही होते हैं, वार्ड सभा के अध्यक्ष वार्ड सदस्य ही होते हैं, इसलिए पिछली विभाग द्वारा चल रहे नल जल योजना का अनुरक्षण एवं अनुरक्षण का भी दायित्व वार्ड सदस्य को दिया जाए। ठीक है, यानी कि इसमें बताया गया है कि देख सकते जानकारी दिया गया है वार्ड सदस्य खाते से ही 15वीं वित्त होते हैं, उसके पश्चिम वित्त राज्य की राशि से कार्य सात निश्चय अंतर्गत ही कराए जाते हैं। योजना का अनुरक्षक वार्ड सदस्य ही होते हैं, वार्ड सभा के अध्यक्ष वार्ड सदस्य ही होते हैं, इसलिए पिछड़ी विभाग द्वारा जो चल रहे नल जल योजना का अनुरक्षक एवं अनुरक्षण का दायित्व वार्ड सदस्य को दिया जाए। महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना का जो स्ट्रक्चर निजी जमीनों पर लगाया गया है उसके देखरेख का अनुरक्षक को जिम्मा स्वामी को दिया जाए एवं बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली एवं लोहिया स्वास्थ्य अभियान वर्णित अधिकारी वार्ड सदस्य को दिया जाए। उसमें बताया गया और भी जानकारी दिया गया देख सकते दोस्तों जय सिंह राठौर ने कहा कि वार्ड सदस्य भी छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके मानसिक भत्ता के नाम पर 500 रुपया मिलता है, इससे बढ़ाकर 16,000 रुपया किया जाए एवं वेतन एवं आजीवन पेंशन की व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ वार्ड सदस्य मनरेगा तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रशासनिक अधिकार वार्ड सदस्यों को दिए जाए। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते संचालित जिम्मेवारी वार्ड सदस्य के साथ साथ कर्मचारियों को भी दिया जाए। तो क्या इस सारा जो मांग किया गया वो सही लग रहा है आपकी यहाँ? तो सही लग रहा है तो जरूर कमेंट करिए, अपना राय दीजिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और भी आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए भी कमेंट कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सदस्यों ने मांग किया कि आप लोगों को सही लग रहा है, अगर वार्ड सदस्य हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और भी क्या आपको मांग करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।